बाज़ रिवायात के मुताबिक फ़न खत्ताती की इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई और सबसे पहली लिखी जाने वाली इबारत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। बाज़ मुअर्रखीन ने लिखा है कि हज़रत इस्माईल ने सबसे पहले अरबी लिखी। ये फ़न नबियों, सूफियों और बादशाहों का फ़न है जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता था। जूँ जूँ मुस्लिम तहजीब में वसत आती गई, इस फ़न में नए असलूब और अंदाज़ो अशकाल जगह पाते गए। अगर आप तारीख पढ़ें कैलीग्राफी की, तो एक बहुत पुराने राइटर हैं जिन्होंने कैलीग्राफी के बारे में लिखा, कोई 12वीं 13वीं सदी में। तो उन्होंने कहा जिस तरह जो ज़ाफ़रान की खुशबू है वो औरतों को रिप्रेजेंट करती है, इस तरह दवात में से जो खुशबू उठती है वो एक कैलीग्राफी को रिप्रेजेंट करती है। कुरान और कैलीग्राफी तो यूँ एक दूसरे के साथ हैं, जिस तरह ना कभी अलग किए जा सकते हैं ना किए जाएंगे। कैलीग्राफी का जो फ़न है, मैं समझता हूँ कि ये एक आसमानी और एक रूहानी फ़न है सही मानों में, इसलिए कि किसी और फ़न में इतनी मेहनत, मुशक्क़त और मुजाहिदे की ज़रूरत नहीं होती जितनी के खत्ताती में है। खत्ताती में पाकिस्तान ने अजीम खत्तात पैदा किए जिनके काम को आलमी सतह पर सराहा गया। इनमें हनीफ रामे, गुलजी, सादकैन, शाकिर अली और दीगर नाम शामिल हैं। फन खत्ताती में एक और बड़ा नाम उस्ताद इरफान अहमद खान साहब का है। उन्होंने फन खत्ताती को एक नया अंदाज दिया। उन्होंने दर्जनों अखबारात की पेशानियां नए अंदाज से बनाई, हजारों सुर्खियां और बेशुमार कीमती कुरानी आयात पर मबनी फन पारे बनाने वाले उस्ताद इरफान अहमद खान 20 दिसंबर 1947 को मानसहरा के एक गांव में पैदा हुए। इब्तदाई जिंदगी बेपनाह मसाइल और मुश्किलात से दोचार रही, बमुश्किल मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर रोजनामा आज़ाद में खुशनवीसी की नौकरी कर ली। पहली तनख्वाह 60 रुपये मुकर्रर। इनकी इन्होंने एक नया अंदाज, ख़त का एक नया अंदाज, लिखने का, सुर्खियों को लिखने का एक इन्होंने अंदाज इन्वेंट किया था, जो लेटर ऑन, पहले तो उस पर काफ़ी बहस हुई प्रिंट मीडिया में, लेकिन बाद में सारे अखबारों ने उस अंदाज को अपनाया। मैं समझता हूँ ये इरफान साहब की देन है कि ये जो नया ख़त इस वक्त एडवर्टाइजिंग में बहुत मशहूर है, जिसमें ज़्यादातर सिंप्लीफाई किया गया है उसे, वो इरफान साहब की इजाद है। 11 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया, कमाना शुरू किया, अपने पाँव पे खड़े हुए। तो मैं सिवाय इसके कि मेरा इनका कद इतना बड़ा हो गया कि मेरे लिए अल्फाज का चुनाव मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। प्राइमरी किया, उसके बाद ये हुआ, हालात घर के ऐसे थे कि मुझे दाखिल करवाने वाला कोई नहीं था स्कूल में। मेरे जितने भी क्लास फेलोज़ थे वो जो मेरे साथ जिन्होंने प्राइमरी किया था, ये जंगीराबाद स्कूल मिस्री शाह में एक स्कूल था, हम वसनपुरा में रहते थे, तो मिस्री शाह हाई स्कूल में दाखिल होना था। तो सारे बच्चे दाखिल हो गए, मेरे दोस्त हो गए, लेकिन मैं रह गया, मुझे कोई भी नहीं दाखिल करवाने वाला था। तो मैं रोज़ाना जाता स्कूल के बाहर, खड़ा हो जाता। उन दिनों स्कूल के इर्द गिर्द घोड़े बड़े बंधे हुए आते थे, तो मैं जब छुट्टी होती उन्हीं दोस्तों के साथ निकल के वहाँ से वापस घर आ जाता, लेकिन उदासी मेरा पीछा करती रहती कि ये क्या है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं ये मेरे नसीब में है। तो एक दिन इसी तरह मेरे महल्ला के उस्ताद थे तुफैल साहब, मास्टर तुफैल साहब, वो मुझे कहने लगे इरफान तुम बाहर खड़े रहते हो, क्लास में क्यों नहीं जाते। तो मैंने फिर उनको सारे हालात बताए कि मुझे दाखिल ही किसी ने नहीं करवाया, कोई पैसे नहीं है, कोई मसला ये नहीं है, तो अब क्या किया जाए।
तो वो फिर मुझे हेड मास्टर साहब के पास ले गए। हेड मास्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन दिनों हुसैन अली साहब होते थे, तो उन्होंने मुझे किताबें भी लेके दी, मुझे फ्री एडमिशन भी दिया, मेरी फ़ीस भी माफ़ कर दी और मुझे उन्होंने पढ़ने के लिए कहा कि भी आप रोज़ाना आए। अगस्त 1977 से 1990 तक शोबाए फाइन आर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर उस्ताद काम किया। इसी दौरान अपनी तालीम भी मुकम्मल की और आजकल लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में बहसियत उस्ताद अपने फ़राइज सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान कैलीग्राफिक आर्ट्स गिल्ड कायम की, जहां बच्चों को फन खताती की तालीम दी जाती है। मैं समझता हूँ कि जो क्लासिकल कैलीग्राफी है और जिसमें इरवान साहब एक मुनफरद मुकाम रखते हैं, और जैसे उन्होंने लाहौर कॉलेज में भी टीचिंग की, NCA में भी टीचिंग की, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी की और बहुत से अदारों में की, जैसे पाकिस्तान आर्टिस्ट जो कैलीग्राफ गिल्ड है उसमें भी टीचिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो एक मैसेज है इस्लामी जो आर्ट्स हैं उनका, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसमें वो तकरीबन सिंगल हैंडेड काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने उस दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में खताती की खिदमत की है या क्लासेस ली हैं, कि जिस दौर में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इन तालीमी इदारों में खताती की जो है वो तालीम दी जा सकती है या खताती की तदरीस का कोई मौका इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में निकल सकता है। इरफान साहब हमारे पास 2003 से यहाँ लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और डिज़ाइन और विजुअल आर्ट में इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया, बल्कि बुनियाद रखने वाले कैलीग्राफी के इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में इरफान साहब ही हैं और इन्होंने ही आके यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस काम के बारे में इल्म दिया, उससे इनको शनासाई करवाई और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करवाया। ये पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड का वजूद में आना ही इस बात की दलील है कि हमने प्रोग्राम बनाया कि भाई जिस तरीके से अब ये फ़न ज़वाल की तरफ है, अब इसको जो है ना एक्सपोज करना चाहिए, सामने लाना चाहिए लोगों को, तो उसके लिए हमने आज से 15 साल पहले ये फ्री क्लासेस शुरू की कैलीग्राफी की। दाता दरबार में भी हमें जगह मिली, वहाँ क्लासेस होती रहीं। उसके बाद हमने कल्चर कॉम्प्लेक्स में हमें जगह मिली, पंजाब गवर्नमेंट ने दी, वहाँ क्लासेस होती रहीं फ्री ऑफ कास्ट। हमने किसी से बच्चे से फीस नहीं ली, बल्कि ये होता था कि उसको कागज़ और कलम भी हम फराहम करते थे। उसके बाद ये है कि ये आज 14 साल से हम फ्री क्लासेस चला रहे हैं और आज भी चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं। कुरानी आयात पर मबनी उनके कीमती फ़न पारे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क होने वाली मुख्तलिफ नुमाइशों की नुमाया जीनत बनते हैं। हाल ही में सऊदी अरब, ईरान, शाम, तुर्की, इंडिया और दीगर कई ममालिक में होने वाली खत्ताती की नुमाइशों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ और ईरान के सदर समेत कई बड़ी शख्सियात से एजाजात वसूल कर चुके हैं। ईरान में जो कुरानी कॉन्फ्रेंस है वो जब मुनक्किद हुई तो ये पाकिस्तान के वाहिद रिप्रेजेंटेटिव थे, और आई डोंट नो मे बी 40 कंट्रीज और सम पार्टिसिपेटेड एंड ही वो वन द फर्स्ट प्राइज, व्हिच इज़ अ ग्रेट ऑनर नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर पाकिस्तान। कि उनके काम के बारे में बात करना तो मेरा ख्याल है सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। देखिए, पूरी दुनिया से अवार्ड लेने वाली शख्सियत, यानी कि खत्ताती के अंदर जो कि मैं समझता हूँ इस्लामिक आर्ट्स में सबसे एक बड़ा मकाम खत्ताती का है, कैलीग्राफी जो है, जो हमारी जो अरबिक से शुरू होती है, फिर ईरान है, फिर हमारे यहाँ के, फिर उसमें या दुनिया में जो भी ख़त हैं उन पे उनकी कमांड, उनका जैसे नस्तालीक जो है या ख़त दीवानी है या सुलस है या नस्ख है, तमाम के ऊपर उनका अबूर, उनकी उनकी कमांड, उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े असातिज़ा जो हैं वो उनके आगे जो है
वो बड़े अदब से खड़े होते हैं। सूफियाना मिजाज रखने वाले उस्ताद इरफान अहमद ख़ान ने लाहौर में हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार पर कुरानी आयात और अस्माए हुसना बिला मुआवजा लिखकर न सिर्फ एक नई तारीख रकम की बल्कि अपनी अकीदत का इजहार भी किया। दाता दरबार में खताती की, नस्तालीक में और सुल्स में, तो ये जो क्लासिकल स्टाइल्स हैं इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। और ख़ास तौर पर दाता दरबार में इनके जो असमाए बारी तादा है या कुछ और इनकी खताती है वो बहरहाल देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो फिर सूफिया के कलाम को खताती का अंदाज़ देने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। इस तरह ना सिर्फ खताती के फनपारे सामने आए बल्कि सूफिया की वो सोच, वो फ़िक्र और उनका वो अंदाज़ जो मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी था, है और रहेगा, उसको मुआशरे के सामने इरफान साहब ने खताती के अंदाज़ में पेश करके एक अहम खिदमत अंजाम दी है। नबियों पैगंबरों का ये फ़न है, अगर इसमें ईमानदारी से काम किया जाए तो ये फ़न जो है ना ये आपकी आकबत संवरेगी, जिसकी हमें ज़रूरत है। ये दुनिया तो बिल्कुल इसका तो कोई पता नहीं ना। दाता दरबार में काम करने के लिए यही सोचा, अगर इस काम को फी सबीलिल्लाह कर दिया जाए तो हो सकता है कोई बुज़ुर्गों की भी कोई नज़र हम पर ये ऐसी हो जाए कि हमें जो है ना कोई अल्लाह के आगे सिफारिश ही कर दें हमारी कि इस बंदे ने यहाँ काम किया। कहा जाता है कि मुग़लों के दौर में एक माहिर खत्तात को वज़ीर का दर्जा हासिल होता था, मगर अफसोस कि आज का खत्तात दो वक्त की रोटी कमाने में भी मुश्किलात का शिकार है। उस्ताद इरफान जैसी शख्सियत बिलाशुबा न सिर्फ सदारती अवार्ड की हकदार है बल्कि ऐसे इकदामात की भी ज़रूरत है जिनके तहत उस्ताद इरफान जैसी शख्सियत के फ़न से ज़्यादा इस्तफादा हासिल किया जा सके। फ़न खत्ताती का ताल्लुक जो है वो सरजमीन हिंदो पाक में मुग़लों के साथ, सलातीन सलजोकी के साथ, गौरी सलातीन के साथ, इनके साथ इस तरीके से वाबस्ता रहा कि खत्तातों को एक वज़ीर का दर्जा हासिल होता था। और आप देखें कि बड़े सगीर में औरंगज़ेब आलमगीर, शहज़ादी ज़ेबुन्निसा, मलका नूर जहाँ, जहांगीर, हमायूं, बाबर, ये सब बेहतरीन खत्तात गुजरे हैं। सिर्फ इनमें से अकबर ऐसा जो अनपढ़ होने की वजह से, लेकिन वो खुद तो खत्ताती ना कर सका, लेकिन उससे फ़न्ने खत्ताती की जो है वो हौसला अफजाई ज़रूर की है। कि हमारे यहाँ अच्छे आर्टिस्ट की पज़ीराई नहीं है, सिर्फ उस आर्टिस्ट की या उस राइटर को एक्सेप्ट किया जाता है और उसको ही इनक्रेज किया जाता है, उसको ही प्राइजेज़ दिए जाते हैं, उसको ही हर जगह उसी की बल्ले बल्ले हो रही होती है जो पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा। वो किस पार्टी से है, दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन के लिए और ऐसे क्रिएटिव कामों के लिए तो मेरे ख्याल में कम से कम पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इरफान साहब ने जितनी काविश की है, जितनी कोशिश की है, जितना उन्होंने इस फन के लिए अपने खून जिगर दिया है, तो इनको कम से कम सरकारी सतह पर सदारती आज़ाद बराए हुस्ने कारकर्दगी तो मिलना चाहिए। ये हुकूमत ने आज तक जो है ना वो कोई सरपरस्ती इस फन की नहीं की जैसा कि दूसरे इस्लामी ममालिक में है। अब आप यकीन रखें कि अजमन खुशनवीसान तहरान, उनकी ये हालत है कि अगर आप वहाँ को मिलना चाहते हैं तो आपको कल्चर मिनिस्ट्री से इजाज़त लेनी होगी। तो उन दूसरे मुल्कों में कैलीग्राफी को बड़ी अहमियत, और मैं समझता हूँ कि वो अपने एक इसको ये समझते हैं कि हमारा कल्चर का सबसे बड़ा जो एक फ़न है ना
जो हमारा कल्चर है वो कैलीग्राफी है। इसी तरह सऊदी अरब को ले लें, उर्दन को ले लें, तुर्की को ले लें, हालांकि तुर्की में आप देखें उनके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इंग्लिश के हैं, लेकिन वो कुरान लिखते हैं और दुनिया में ख़ते सुलस के मौजूद भी हैं और ख़ते सुलस में और हुकूमत उनकी इतनी मदद करती है जिसकी इंतहा नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में ये बिल्कुल ही, हमने शोर मचाया है, बात की है, सब लोगों को बताया है, लेकिन इस तरफ अभी तक किसी ने सरकारी सतह पर हमारी हौसला अफजाई नहीं की। हमारी एक बहुत बड़ा मुतालबा ये था कि भी कम अज़ कम हाई स्कूलों में तो ये क्लासेस जो है ना सिलेबस बनाया जाए, हम बना के देते हैं सब। इसके लिए मुझे कहा गया, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ने कहा, मैंने उनको 5 किताबें बना के दी। मैंने कहा भाई ये सिलेबस है, ये आप शुरू करवाएं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई लोग ऐसे आ जाते हैं, अगर काम चलने लगता है, आगे होने लगता है, तो उसमें कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसे अफसर जो आता है वो उसे बंद करके उस तरफ रख देता है और फिर नए सिरे से हमें शुरू करना पड़ता है। तो मेरा, मैं समझता हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में कि इस मुल्क में जो कि खालिस पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है, तो इसमें कैलीग्राफी को ज़वाल पज़ीर नहीं होना चाहिए। उस्ताद इरफान के हाथ में इतनी तासीर है कि वो जब भी किसी कुरानी आयत को लिखते हैं तो देखने वाला उसकी गहराई को महसूस किए और मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं इनका काम देखने लगी तो मैंने मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट आया जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, जो अरिस्टोटल से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि ब्यूटी जो है वो हार्मनी, रिदम और बैलेंस में है। और मुझे ये तीनों वर्ड्स इतने अच्छे लगे, मुझे ऐसा लगा जैसे इरफान साहब की शख्सियत और उनका आर्ट दोनों इसमें फिट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल नस्तालिक इज़ नॉट ईजी, इट इज़ अ वेरी वेरी स्किल, इट हैज़ टू बी, यू हैव टू हैव अ कमांड ऑन इट बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द डॉट एंड द स्ट्रोक, और उसको ये लेके चले। और आइंदा भी जो कैलीग्राफी के मॉडर्न फॉर्म्स हैं वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ कैलीग्राफी आई डोंट थिंक वो इतनी साउंड हो सकती हैं। मैंने भी थोड़ी सी की, बट मुझे भी ये लगता है कि मुझे और उनके पास जाना चाहिए, और ताकि जब मेरा कलम चले या मेरा ब्रश चले तो वो फॉल्टर ना करे, उसको वही रब कायनात की ग्लोरीफाई करना चाहिए जो कि वो है सूरह रहमान की है कि फबियाला रब कुमा तुकज़िबान, एंड उसमें एक छोटा सी कंट्रीब्यूशन हम में से कोई अगर कर जाए तो क्या है। एंड आई थिंक आपकी इनकी कंट्रीब्यूशन इरफान साहब की बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि अगर मुझ में ये काबिलियत होती तो मुझ में एक तकब्बुर आ जाता, इसलिए कि ये एक मामूली बात नहीं है। ये फ़न, इसको हासिल कर लेना जो है एक बहुत ही मुश्किल काम है, और आपको फिर एक अचीवमेंट का एहसास तो होता है जब आप इसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन इरफान साहब इस कदर मिटे हुए इंसान हैं, इतने हम्बल हैं, इतने शरीफ नफ्स शख्स हैं कि उन्होंने कभी अपने ये बात जाहिर ही नहीं की कि मैं इस मुश्किल फ़न का इतना माहिर उस्ताद हूँ। बाज़ इनके लफ्ज़ इतने हैं कि जिनको देख बार बार देखने को दिल चाहता है। खत खत आर्ट की, ख़ास तौर पर खत और टे की, जो टे है उसकी, और जैसे वो लफ्ज़ खत्ताती इन्होंने लिखा है और उसकी ये कुछ जिस ठहराव से इन्होंने ये लाए हैं वो इंसान को वर्ता हैरत में डाल देती है कि उसका तवाज़ुन और उसका जो बैलेंस है। आज से 25 बरस पहले मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इरफान साहब फ़न की दुनिया में एक ऐसा नाम पैदा कर जाएंगे जो एक उस्ताद का नाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उस मेहनत ने आज रंग दिखाया है, और अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है कि मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी इनके शाहपारे पसंद किए जाते हैं, बल्कि बड़े कीमती अंदाज में ख़रीद भी किए जाते हैं। अगरचे इनको जो है वो सूफियाना, जैसे मैंने कहा ना, बड़ी दरवेशाना तबीयत है, बिकें ना बिकें,
ये इसलिए नहीं बनाते कि बिक जाएंगे, लेकिन वो बिकते हैं और उनको अच्छा मुआवजा भी मिलता है। मैं समझता हूँ ऐसे लोग हमारे मुल्क का सरमाया है। आजजी और इनकिसारी का पैकर उस्ताद इरफान खान न सिर्फ एक मेहनती और ईमानदार खत्तात हैं बल्कि वो एक शफीक उस्ताद भी हैं। उनके सैकड़ों तालिबे इल्म आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर फन खत्ताती में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इनका जो आर्ट है उसको एक जो नोबल होने का हैसियत है और वो उन्होंने हमसे पहले किया कि हम पहले दूसरा फॉर्म ऑफ आर्ट्स को हमने पढ़ा और अब जाके मुझे इसकी कदर हो रही है। अब मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे और सीखना चाहिए था, उनसे और इस्तेफादा करना चाहिए था, और अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो ऐन मुमकिन है मैं और कोशिश करूँगी कि मैं उनसे और सीखूँ। जब उन्होंने शुरू किया हमें पढ़ाना और अबाउट द कैलीग्राफी के बारे में लेक्चर देना शुरू किया, तो यकीन मानिए कि मेरा दिल इसकी तरफ उस लम्हे रागब हुआ था अबाउट द कैलीग्राफी। गो मैं थोड़ी बहुत किया करता था लेकिन सर का इसमें बहुत ज़्यादा, सर इरफान साहब का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मैं क्लास में भाग जाता था, सर फिर मुझे पकड़ के ले आते, कान खींचते तो कहते यार तुम कर सकते हो, तो भाई यू आर नॉट डूइंग। तो सर की ये सारी डांट डपट जो प्यार से दिया करते थे तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा एंड आई स्टार्टेड, मैंने कैलीग्राफी भी शुरू कर दी और सर से इमला लेनी भी शुरू कर दी, सलाह लेनी भी शुरू कर दी। और उसके बाद सर उस वक्त मशरक अखबार में हेडलाइन जो होती थी वो लिखा करते, सुर्खी जिसे कहते हैं, तो मैं सर के पास कभी अपना काम लेके भी जाता था और सर से सलाह भी लेता था और सर को काम करते हुए भी देखा करता था। तो वो लम्हा आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आना शुरू हुआ और मुझे ऐसा लगा कि आई कैन शो माई सेल्फ थ्रू कैलीग्राफी। मैं ज़्यादा अपना माफी ज़मीर जो है थ्रू कैलीग्राफी ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकता हूँ। पिदराना शफकत रखने वाले इंसान हैं कि दोस्त भी बाप भी बड़े भाई की तरह, यानी कि इतनी मोहब्बत एक उस्ताद में, मैं समझता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट होती है एक उस्ताद की, जो हमने बहुत पुरानी कहानियों में सुनते हैं या पढ़ते हैं या हम अपने असलाफ की तरफ देखते हैं कि उस्ताद क्या होते थे, किस तरह के होते थे उस्ताद, तो मैं समझता हूँ इरफान साहब की शख्सियत बिल्कुल उस पर फिट बैठती है कि उस्ताद ऐसे होते हैं। एज ए फादर जो है ना, वो हमने जो कुछ उनसे सीखा है, जो कुछ देखा है, वो लाइक वी आर प्राउड ऑफ हिम। वो जो सारी बातें हैं लाइक ऑनेस्टी और धोखादेही ना करना, मेहनत से काम करना, वो एक बहुत बड़ा लेसन था हमारे लिए। काम में भी बहुत ज़्यादा अपने ऑनेस्ट हैं, मैंने ये देखा है। इतनी सख्त गर्मी में भी ना पसीना टपक रहा होता है इनका, लेकिन वो अपना काम जो है ना वो पूरा कंप्लीट करते हैं वर्क अपना, क्योंकि जिस मेहनत से काम करते थे ना और जो इनका अपने ऑफिस में जो इनका किरदार था उससे ना इनका ऐसा ही था कि ये पूरे अखबार के एक दिन ना चीफ एडिटर बनेंगे और बने भी। और बच्चों वो जो इनका काम था रात दिन मेहनत करने का, इनका सिला इनको मिला वो। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एज अ पर्सन। इतना बंदा काबिल हो, काबिलियत रखता हो, एजाज़ मिले हों, एंड ही इज़ प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज़ डन ऑफ कोर्स एंड ही शुड बी, बट ही इज़ नॉट एरोगेंट। दैट इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी in a human being which he has, and I salute to that.